अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज नंबर 1.1 सेकंड है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 6 है जो हम इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान सा क्वेश्चन है, जिसका हमने 4 और 5 समझा था उससे ज़्यादा आसान ये है। इसके अंदर तो कोई वैल्यू भी पुट नहीं करनी, इसमें तो वैल्यू पुट करनी थी माइनस 3 माइनस 2, और लास्ट पार्ट में कोई ना कोई अहम बात पूछता था। अब इसके अंदर ऐसा नहीं है, वो कह रहा है उसने फंक्शन ही नहीं लिया हुआ, उसने बोला एफ एक्स 0 लेना कब, जब एक्स रैशनल हो, क्यू का मतलब होता है रैशनल नंबर, और एफ एक्स 1 लेना कब, जब एक्स इरेशनल हो, आर माइनस क्यू का मतलब होता है इरेशनल। अब रैशनल और इरेशनल क्या होते हैं समझ लेते हैं। रैशनल नंबर की एग्जांपल क्या होती है, रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो डिवाइड होने पर मुकम्मल डिवाइड होते हैं, ठीक है, जैसे 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या आंसर आएगा, मुकम्मल डिवाइड हो गया, या डिवाइड होने पर पॉइंट के बाद जैसे 5.2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2.5, ये पॉइंट के बाद एक डिजिट दे रहा है, या पॉइंट के बाद अगर डिजिट रुक जाए या डिजिट रिपीट हो रहे हो तो वो रैशनल नंबर होता है। या तो मुकम्मल डिवाइड हो जाए या पॉइंट के बाद सेट नंबर रिपीट हो रहा हो, जैसे 1.3333, ये भी रैशनल। 2 डिजिट भी हो सकते हैं, 3232 रिपीट होता है तो ये भी रैशनल। 3 डिजिट भी हो सकते हैं, 1.4555455, 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो भी रैशनल। या तो मुकम्मल डिवाइड हो जाए या पॉइंट के बाद सेम डिजिट दे तो क्या होगा, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, 2 से। फिर रैशनल नंबर क्या होता है, फिर रैशनल नंबर इसका उलट है, फिर रैशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर माइनस 2 से, ठीक, जो मुकम्मल डिवाइड ना हो या पॉइंट के बाद अलग अलग डिजिट, जैसे पाई की वैल्यू है क्या होती है 3.1427 और चलती रहती है, तो पॉइंट के बाद अगर अलग अलग नंबर देगा तो रैशनल होगा, अगर सेम नंबर देगा पूरा डिवाइड होएगा तो रैशनल है। अब सवाल शुरू करते हैं, उसने बोला है √3 की वैल्यू निकालो, तो √3 की वैल्यू क्या होती है, पहले तो हम √3 की वैल्यू निकालें, √3 की वैल्यू होती है 1.7320 और ये चलते रहते हैं, तो अगर ये चलता रह रहा है तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, इससे बिलोंग कर रहा है ना आर माइनस टू से, इरेशनल से, तो ये बिलोंग कर रहा है आर माइनस टू से। आर माइनस टू में उससे क्या बोला था, एफ एक्स क्या वैल्यू लेना, 1 लेना, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर है। इसके अंदर कोई हमें सॉल्व सोल्यूशन नहीं करना, क्या आगे सॉल्व भी नहीं करना, नहीं, एक्स की जगह हम √3 रखेंगे तो √3 की वैल्यू, इसमें आंसर या तो 1 आएगा या 0 आएगा। अगर रैशनल नंबर होगा तो आंसर आएगा 0, इरेशनल होगा तो आंसर आएगा 1, ये इरेशनल था तो आंसर 1 आया। दूसरा पार्ट करते हैं, दूसरे पार्ट में वो कह रहे हैं कि एफ की वैल्यू नो 1/5, ठीक है, अब अगर मैं 1/5 को सॉल्व करता हूँ तो आंसर क्या आता है 0.2, 0.2 किससे बिलोंग कर रहा है, क्यू से, तो बस उसने क्या बोला था, अगर रैशनल हो तो एफ एक्स को क्या देना, 0, तो एक्स की जगह 1/5 लिखोगे तो भी आंसर क्या आएगा, 0। तीसरा पार्ट कहता है कि एफ 2 लो, तो आप 2 तो जानते हैं जो 2 किससे बिलोंग करता है, क्योंकि ये तो कोई डिवाइड ही नहीं है, तो इसके अंदर भी एफ एक्स क्या देना पड़ेगा, 0, और एफ 2 भी क्या आ जाएगा, 0, बस या तो 0 आंसर आएगा या 1 आएगा। पाई की वैल्यू तो आप जानते हो कि रैशनली होती है, तो पाई की वैल्यू 3.142 और आगे फिर कुछ और वर्ड भी आते हैं, तो ये बिलोंग कर रहा है आर माइनस 2 से, अगर आर माइनस 2 से बिलोंग करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या देनी है 1, तो एफ पाई भी 1 हो जाएगा, बस ये हमें करना था। और वैल्यू एफ एड है 1.5 भी रही है, तो 1.5 भी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है, तो ये भी आसान है, एफ 1.5 किससे बिलोंग करता है, क्यू से करेगा तो एक्स की वैल्यू क्या देनी है, 0, 1.5 का भी आंसर क्या आएगा, 0, तो बस का आंसर या तो 0 आता है या 1 आता है, अगर रैशनल होगा तो 0, ये रैशनल होगा तो आंसर 1 आएगा। बहुत आसान से सवाल है, एमसीक्यू या एप्टीट्यूड में।